विसर्जन अमावस्या हिंदुओं का धार्मिक कार्यक्रम है जिसे प्रत्येक घर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन हिंदुओं में अपने अग्रजों की मृत्यु के पश्चात जिन्हें पितृ की संज्ञा दी जाती है उनके सम्मान में उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। भारतीय संस्कृति में और हिंदू धर्म में अपने से बड़ों के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव पाया जाता है। पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक ऋचाओं में से अनेक पितरों और तथा मृत्यु की प्रशस्ति में गाई गई हैं। पितरों का आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों वंशजों को धन समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। पितरों की आराधना में लिखी ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है। संभवतः इस वर्गीकरण का आधार मृत्यु क्रम में पितृविशेष का स्थान रहा होगा। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितु तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय हैं। सायन के टीका अनुसार श्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितर, प्रथम श्रेणी में स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितर, द्वितीय श्रेणी में और इनसे विभिन्न क्रम करने वाले पितर अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए। इसे अश्विन अमावस्या, बर्मास और दश अमावस्या भी कहा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वप्रित अमावस्या कहा जाता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार जो वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम पर उचित विधि से दिया जाता है वह श्रद्धा कहलाता है। Thank you.